पुलिस कमिश्नरेट आगरा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आगरा पुलिस की ओर से 26 नवंबर को पुलिस लाइन में दूसरे स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नरेट वर्ष 2024 में आधुनिक हुए थाने और कार्यालय और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित जनता को मिल रही बेहतर सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रदर्शनी सजाकर कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। पुलिस कमिश्नरेट आगरा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आगरा पुलिस की ओर से 26 नवंबर को पुलिस लाइन में दूसरा स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नरेट वर्ष 2024 में आधुनिक हुए थाने और कार्यालय और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित जनता को मिल रही बेहतर सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से साइबर अपराध से बचने के साथ स्वयं सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। देखिए, आज 2 साल पूरे हो रहे हैं पुलिस कमिश्नरेट आगरा के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही के दिन 2 साल पहले लॉन्च किया था यहाँ पे और ये व्यवस्था नहीं लागू की थी, और इसको लेकर के काफ़ी हम लोगों ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम किया है। कोर्ट्स बनाए गए हैं, जो कि जो भी CRPC उस समय था उसकी धाराएँ हमें मिली थी, आजकल BNSS में, तो उसको लेकर के जो भी उपलब्धियाँ हमारी रही हैं। नए थानों का नवीनीकरण किया गया है, बिल्कुल हाईटेक थाने बनाए गए हैं, और लगभग 18 ऐप्स हमने लॉन्च किए यहाँ पर पिछले 2 साल में, तो उनको लेकर के भी थानों में नए वर्क स्टेशन दिए गए हैं, मेस बनाए गए हैं थानों पर, और इसके अतिरिक्त अतिथि गृह बनाए गए हैं, जितने भी मीटिंग रूम्स हैं, SHO का कक्ष है, CCTNS, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, इन सबको बिल्कुल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। तो ये सारी हमारी उपलब्धियाँ रही हैं, और इससे जनता में एक सुरक्षा की भावना भी आई है। ऑनलाइन जन सुनवाई हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ किया था, उससे जन सुनवाई का प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन हुआ है। भारत के सबसे पुराने एवं विशाल पुलिस बल में से एक उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ जनपद आगरा के कानून एवं व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा को हाईटेक करते हुए दिनांक 26 नवंबर 2022 को आगरा में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की थी। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद कमिश्नरेट आगरा को अनुभवी पुलिस अधिकारीगण का नेतृत्व मिला। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने पर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह IPS पुलिस कमिश्नरेट आगरा के पहले पुलिस आयुक्त बने। उसके बाद जे रविंद्र गौड़ कमिश्नरेट आगरा के पुलिस आयुक्त बने। उन्होंने पुराने भवनों का जीर्णोद्धार कर आधुनिक बनाया और क्राइम ग्राफ को भी कम करने के लिए मुहिम चलाई। इस तरह से कई सारे हम लोगों ने जो काम किए उसको लेकर के आज पुलिस लाइन्स ग्राउंड में एक कमिश्नरेट डे स्थापना दिवस ये हम लोग मना रहे हैं, और इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। इसमें जो उपलब्धियां हमारी रही हैं पिछले 2 साल की, और किस तरह से क्राइम का ग्राफ नीचे गया है, वो सारा हम लोग बताएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे BDDS टीम या साइबर, इसके अतिरिक्त FSL टीम, इन सब में जो अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं उनकी छोटी सी प्रदर्शनी भी है, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल, और इस तरह से जितने भी अलग अलग हमारे विभाग हैं उन सबकी छोटी छोटी प्रदर्शनी है। वहाँ आपको जो पुलिस की नई कार्यप्रणाली है कमिश्नरेट में, उसकी जानकारी भी पुलिसकर्मी देंगे, तो उसमें आप अगर आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट में क्या क्या काम हुआ है और भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, वो भी वहाँ पर बताया जाएगा। जनपद के नागरिकों को बेहतर पुलिस सुविधाएं मिलें, इसके लिए कमिश्नरेट आगरा के थानों का जीर्णोद्धार किया गया एवं विभिन्न नवीन भवनों का निर्माण भी कराया गया। पुलिस कमिश्नर आगरा जे रविंद्र गौड़ का कहना है कि आगरा पुलिस अब हाईटेक एवं जन केंद्रित पुलिसिंग बन रही है। थाने के जीर्णोद्धार के बाद पुलिस कमिश्नरेट आगरा के थाने हाईटेक हो रहे हैं, जो आमजन को बेहतर पुलिस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद शहर सहित देहातों में कई थानों का कायाकल्प हुआ है, जैसे थाना हरिपर्वत, थाना लोहा, थाना जगदीशपुरा, थाना सिकंदरा, थाना खेरागढ़, थाना जगनेर, थाना बसई जगनेर। कमिश्नरेट डे पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं मुंबई की टीम ने आगरा आकर पुलिस कमिश्नरेट की डॉक्यूमेंट्री भी शूट की है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।